हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की सोलन इकाई के चुनाव सोलन के एचआरटीसी वर्कशॉप के नज़दीक आयोजित हुए। इन चुनावों में राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में करवाए गए। इससे पहले यहां पर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। चर्चा यह भी की गई कि छोटी-छोटी बातों पर कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारी एकता से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के समक्ष विभिन्न मामले उठाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि नमस्कार, मैं प्यार सिंह ठाकुर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज 6 मई 2024 को जिला सोलन में आज जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है उसमें हमने राजेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और प्रधान पद के जो हमारे दावेदार उम्मीदवार हैं ये चंद्रमोहन जी हैं और सचिव चमनलाल जी हैं और इसके साथ जो सहयोगी हैं राहुल चंद जी हैं और कोषाध्यक्ष कौन और कोषाध्यक्ष जो है वो राकेश जी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार जो आज की हमारी नवनियुक्त जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया सोलन क्षेत्र में। परिवहन मजदूर संघ इकाई का अध्यक्ष मेरे साथ प्रधान चंद्रमोहन जी, मेरे महासचिव राहुल चंदेल जी, उपाध्यक्ष नवीन जी व उप प्रधान चंद्रदीप गुलजार। आज हमारी सोलन इकाई का गठन हुआ परिवहन का, इसमें इन लोगों को जो मनाया गया, हम आज इस इकाई के माध्यम से जो आज इकाई बनी, हम इसके माध्यम से आज हमारे जो कर्मचारियों की समस्या है उन्हें सॉल्व करने का प्रण लिया है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने साथियों के जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे ड्यूज वगैरह जो रुके उनके लिए हम अग्रसर रहेंगे और सभी साथी मिलकर जो है आगे की लड़ाई लड़ेंगे।